देहू रोड पुणे येथील ऐतिहासिक धम्मभूमी येथे प्रबुद्ध रंगभूमीच्या 42व्या वर्धापन दिनानिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष हाजी मतीन बागवान यांना क्रांतिबा फुले फेटा देऊन गौरवण्यात आलाय. बशीरू जम्मा सामाजिक संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्ष रिजवान शेख यांच्या हस्ते मोठ्या थाटात शॉल पुष्पगुच्छ देऊन शानदार सत्कार करण्यात आलाय. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष शेख शेराअली हाजी इन्नुस भाई होते. हाजी मतीन बागवान सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात आपल्या संघटनेच्या कार्याचा चांगला ठसा उमटवला आहे. यावेळी संघटनेचे कायदेशीर सल्लागार ॲडव्होकेट सैफन शेख, छत्रपती शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष फारूक शेख, शहर उपाध्यक्ष राजूबाई हुंडेकरी, सचिव गौस पिरजादे व वाहतूक शाखा अध्यक्ष सलीम मुत्तवल्ली यांनी आपापल्या विचार मांडून हाजी साहेब व शुभेच्छांचा वर्षाव केला. यावेळी शहर उपाध्यक्ष जावेद बद्दी, कार्यकारी अध्यक्ष शफीक रतभरे, कोरोना योद्धा तन्वीर गुलजार, युवा शहर अध्यक्ष आयाज दिना, सलीम इंजिनियर व इतर पदाधिकाऱ्यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जावेद बद्दी यांनी केले तर आभार शफीक रचभरे यांनी मानले आहे. आज रिजवान सर हमारे छत्रपती शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड के रोहे रहा और शहर अध्यक्ष इनका गुरुकोशी करके गुरुकोशी के लिए आज यहाँ पे बुलाए और उनकी गुरुकोशी की. गुरुकोशी करने का मौका ये था कि इसकी जो दखल है हम शोरापुर में छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड के माध्यम से पूरे साल में तकरीबन 20-25 प्रोग्राम करते हैं. हर जात धर्म के साथ में उनके त्यौहारों में शामिल होना, उनके हमारे त्यौहारों को उनको बुलाना, ये जो कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड करती है उसके अंदर सबसे बढ़ चढ़ कर अगर कोई हिस्सा लेता है उसकी रूहे रवा, मैंने शुरू में ही कहा उसकी रूहे रवा जो है, ये मैं अपने दिल से ये मानता हूँ कि उसके अंदर 99% अगर किसका रोल है छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड के माध्यम लेके फारूक साहब बड़ी ताकत से, वो उनके पास जितनी भी ताकत थी वो ताकत से उन्होंने कभी उसको नागा नहीं किया. भुले शाहू अम्बेडकर विचार मुस्लिम मंच के साथ हम पहले हमारे फाउंडर सदस्य रहे, हम मिलकर काम करते थे, उसके अंदर से उनको ये ओहदा, उनका काम देखकर उनको ये ओहदा दिया गया, छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड की जिम्मेदारी उनके तरफ दी गई और वो जिम्मेदारी को वो बाकायदा आज तक वो अपनी ताकत से, वो जब मतीन भाई हमारे हाजी साहब भी नहीं थे तब से उसको ला रहे थे,